एक मिनट को आ जाओ। पुलवामा शहीदों के लिए, जो माँ भारती के लिए, जिन्होंने अपने देश के प्रति लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम तमाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेता यहाँ पर शहीदी बलिदान स्तंभ पर हैं जम्मू के। इनको सबको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही हम इन तमाम जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं जो जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, उनके लिए हम जम्मू कश्मीर सरकार से, अपने राज्यपाल जी से, उपराज्यपाल जी मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि इनको कश्मीर के अंदर जो है एक न्यूनतम पर एक प्लॉट जो है वो आवंटित किया जाए, इनके लिए एक कॉलोनी काटी जाए, और जो अपनी शहादत दे चुके हैं माँ भारती के लिए, हमारे देश के लिए, उनको यहाँ पर जो है निशुल्क, उनके परिजनों को निशुल्क पर मूल्यों पर यहाँ पर जो है वो प्लॉट आवंटित किए जाएं। देखिए, ये कारगर कदम एक साबित हो सकता है जो सरकार चाहती है, केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाली की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, बाकी सारी देश की जनता के लिए उनके अंदर जो है एक विश्वास बहाली हो, और उसके साथ ही जो शहादत दे चुके हैं हमारे देश के लिए हमारे जो सेना के जवान, उनके परिजनों के लिए भी एक जो है सच्ची श्रद्धांजलि और उनके लिए एक कारगर कदम साबित हो सकता है। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय हिंद।